गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के थर्ड ईयर क्लास का जो आपके सब्जेक्ट लगता है एजी इकोन 321 फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड नेचुरल इकोनॉमिक्स, तो आज अपन उसके बारे में पूरा वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे इस कोर्स का कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन फार्म मैनेजमेंट से। फार्म मैनेजमेंट होता क्या है, ये अपन फार्म मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में कैसे काम करता है, फार्म मैनेजमेंट का अदर जो ब्रांचेज है अपने एग्रीकल्चर की उसके साथ इनका क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन है, और इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी काम में आएगी फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन और रिसोर्स इकोनॉमी में, वो सारी टर्मिनोलॉजी या उन सारी टर्म्स के बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर स्टार्ट अपन पहले जो अपन आज इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले जो अपन को अगर अपन को टर्म पता है, जो वर्ड पता है जो सब्जेक्ट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं उसके, तो आगे अपने को क्या होगा बहुत ही इजी रहेगा। नहीं तो मैं क्या होता है कि आगे जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट पढ़ाता रहूँगा वो टर्म के बारे में आपको नहीं बताऊँगा, तो आपके वो टर्म मैं बोलता रहूँगा बार बार, तो आप उसके बारे में टर्म के बारे में नहीं बता, तो आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वैसे भी इकोनॉमिक्स आपको इतनी टफ लगती है शायद, तो और वो टफ लगती है तो ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमी का, तो इसको अपने क्या है बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फार्म मैनेजमेंट क्या होता है। फार्म मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है और ये सब्जेक्ट है जो पूरी तरीके से अपने फील्ड पर डिपेंड है। जो भी अपन क्रियाएं अपने फील्ड पे करते हैं वो सारी क्रियाएं यहाँ पढ़ेंगे। बात इतनी है कि वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अब जो भी टर्मिनोलॉजी अपने यूज़ करेंगे वो रात दिन अपने यूज़ करते हैं, लेकिन अपन क्या नहीं कर सकते उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें अपन क्या यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फार्म मैनेजमेंट क्या है, कुछ नहीं है। फार्म मैनेजमेंट दो शब्दों से बना है, कौन सा फार्म, सब बार बार नाम लेते हो आप फार्म, ठीक है। फार्म कुछ नहीं होता, ओनली फॉर क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड, बस क्या होता है एक पीस ऑफ लैंड। अब क्या करते हैं अपने सबके फार्म क्या है, बहुत सारी लैंड है, जैसे राजस्थान की पूरी लैंड है, वो क्या करते हैं हर किसान का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है, तो वही क्या है एक फार्म। जैसे आपने देखा होगा बादू कृषि फार्म, फलानिया कृषि फार्म, तो वो क्या है था उनके सबके अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ है, भूमि के टुकड़े हुए हैं, उसी को क्या बोलते हैं फार्म, कोई लंबा चौड़ा लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो फार्म मैनेजमेंट कंपेयर टू टू वर्ड्स फार्म और मैनेजमेंट, उसमें फार्म क्या है पीस ऑफ लैंड ओनली फॉर, एक क्या है भूमि का टुकड़ा है, कुछ नहीं है। और मैनेजमेंट क्या है, जो फार्म पर अपन क्या क्या क्रियाएं करते रहते हैं डे टू डे, ठीक है ना, क्योंकि अपने तो मैनेजमेंट की एक आर्ट है, किसकी, जो अपने पास रिसोर्सेज है उनको अपने फार्म पे यूज करने की, कि अपने फार्म पर जो अपने पास प्रोडक्ट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो जो अपने पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या अपने पास जो रिसोर्सेज हैं, जो अपने पास फैक्टर्स अपने पास है या अपने पास जो इनपुट्स है उनको फार्म पर कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कब कब यूज़ करते हैं, वो सारी जो आर्ट है, वो सारी जो कला है, वही क्या अपना मैनेजमेंट है। तो फार्म पर एक मैनेजर है, तो नॉर्मली अपने फार्म पर मैनेजर कौन होता है, किसान खुद ही होता है, या बड़े बड़े फार्म जो होते हैं या गार्डन बगीचा वगैरह होते हैं उनमें क्या है कोई मैनेजर रख लिए जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली अपने फार्म पर कौन होता है मैनेजर, फार्मर्स खुद ही क्या होता है मैनेजर होता है, ठीक है। तो फार्म मीन्स ए पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक एंटरप्राइजेज आर टेकन अप अंडर द कॉमन मैनेजमेंट एंड हैज स्पेसिफिक बाउंड्रीज। तो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक कोई भूमि की स्पेसिफिक बाउंड्री हो गई, तो इसके अंदर ये क्या हो गया फार्म, या अपन कह सकते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ लैंड, ठीक है ना, कुछ भी किसी तरीके से बात एक ही है, ठीक है ना। द फार्म्स आर ए माइक्रो यूनिट ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, तो वो क्या होती है अपने बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विच रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ डायनेमिक्स डिसीजन मेकिंग इन रिगार्ड टू गाइडिंग द फार्म रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो पहले ही बता दिया था कि अपने प्रोडक्शन करते हैं उससे संबंधित सारे डिसीजन किस में लिए जाते हैं, फार्म में लिया जाता है, किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा, कि जो भी अपने पास इनपुट्स वगैरह है, अपने फार्म रिसोर्सेज है,
उनको फार्म पर कैसे यूज करना है, इसलिए इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, इसको डिसीजन मेकिंग साइंस या साइंस ऑफ चॉइस भी कहते हैं। साइंस ऑफ चॉइस क्यों कहते हैं कि जो अपने पास रिसोर्सेज होते हैं उनका कब कब कैसे अपने को फार्म पर यूज करना है या उपयोग करना है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो किसकी चॉइस होती है फार्मर्स की, तो अपने तो उसको क्या बोलते हैं, चॉइस ऑफ साइंस। ठीक है, अब क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन आउट ऑफ द अदर वर्किंग इन ए ग्रुप, कैसे भी हो कि मतलब जो भी अपने पास रिसोर्सेज है उनको फील्ड पर कैसे अपने यूज करते हैं, वो क्या किस तरह से, ताकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फार्म मैनेजमेंट का, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। सब आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको भी पता होगा कि अपन खेत में हमेशा क्या कहते हैं, कोई भी वीट ग्रो कर सॉरी क्रॉप ग्रो करते हैं तो अपन यही सोचते हैं कि इसमें कम से कम खर्चा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपन को प्रोडक्शन हो। वो कैसे होता है, वो अपना मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो अपने प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे क्लाइमेट जलवायु हो गई या कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए, लेकिन प्रमुख रूप से जो होता है वो क्या होता है, अपना मैनेजमेंट है जो बहुत ही क्या करता है। अपने एक अपने पड़ोसी है, वो तो क्या करते हैं 15 क्विंटल पर बीघा वीट निकाल कर ले जाता है खेत से। एक अपन है जो 10 क्विंटल पर हेक्टर और सॉरी पर बीघा भी लेके आते हैं, एक और है जो 7 क्विंटल भी लेके आता है। तो उसमें निर्भर क्या करता है, सेम एरिया में ये क्या है भूमि है, सेम क्या उसमें वहाँ सोइल है, लेकिन डिफरेंट किस में रहता है, वो रहता है मैनेजमेंट में। तो अपने फार्म पर मैनेजमेंट क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट टेक ऑन ए न्यू डायमेंशन एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। तो मैनेजमेंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही हुआ तो अपना क्या होता है प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। ठीक है ना, तो मनो क्या करता है एक न्यू डायमेंशन, एक सही आकार प्रदान करता है अपने खेत को, अपने फील्ड को या अपने फॉर्म को। तो इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, बहुत ही ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है मैनेजमेंट की। इन विच द मैकेनाइज्ड यूज मैनी टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस। तो ये भी क्या होता है कि फार्म पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपन देखते हैं कि अपन जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते रहते हैं, लेकिन जो इनोवेटिव फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नई नई तकनीक अपने खेत पे यूज करते रहते हैं, उससे उनका प्रोडक्शन क्या रहता है बढ़ता रहता है। ठीक है ना, एंड ऑपरेट्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोड कैपिटल। जो भी अपने क्या है बोरोड कैपिटल हो या ओन कैपिटल हो, जो भी अपने पास उधार ली हुई पूंजी हो या खुद की पूंजी हो, उसको वो किस तरह से अपने फील्ड पे ऑपरेट करता है, वो सारा किसके अंदर आता है मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है ना, दस द स्टडी फार्म मैनेजमेंट हैज गोट प्राइम इम्पोर्टेंस इन मैनी इकोनॉमी पार्टिकुलर इन एग्रियन इकोनॉमी। तो अपने क्यों इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इसका, फार्म मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर फार्म मैनेजमेंट फार्म पर अपना अगर मैनेजमेंट अच्छा हुआ, प्रबंधन अच्छा हुआ अपना, तो अपने क्या होगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बढ़ेगी तो अपनी क्या होगी नेशनल इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों को क्या होगा ये एक वे ऑफ हैप्पीनेस भी है फार्मर्स का। अगर फार्मर्स की इकोनॉमी बढ़ी तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, तो फार्मर्स का क्या है वे ऑफ हैप्पीनेस भी फार्म मैनेजमेंट से होता है। तो उसको अगर सबसे अपन कंक्लूड करें तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डेफिनेशन जो ब्रैडफोर्ड एंड जॉनसन ने दी थी फार्म मैनेजमेंट की, तो क्या होता है फार्म मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। जी जरूर, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसकी एक ब्रांच है, क्योंकि पहले अपन फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन, तीसरे मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस, और ये आगे चल एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और यहाँ के फार्म मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, किसके साथ डील करती है वेल्थ अर्निंग, कहाँ से फार्म से। ठीक है, वेल्थ स्पेंडिंग, कहाँ स्पेंड करते हैं अपने धन को फार्म पर, क्यों, वेल्थ अर्निंग का मतलब हो गया अपन क्या करते हैं फार्म से आउटपुट, और वेल्थ स्पेंडिंग का मतलब हो गया अपने फार्म पर कितनी कॉस्ट आती है, अपने फार्म पर कितनी कॉस्ट लगाते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज
ऑफ द फार्म ऑफ द फार्मर्स, तो वो सारी क्या है आउटपुट प्रोड्यूस करने की या उत्पादन लेने की और वहाँ फील्ड में खर्च करने की जो भी एक्टिविटी होती है फार्मर्स के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं। इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, एंड ऑपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल फार्म यूनिट फॉर सिक्योरिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नेट इनकम फ्रॉम द ऑन फार्म, ठीक है ना। तो अपने क्यों करते हैं फार्म मैनेजमेंट, क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि उनको जो भी अपना कॉस्ट है वो बहुत ही मतलब अच्छे में बहुत ही अच्छे से मैनेज करके अपन क्या आउटपुट लें, ताकि आउटपुट क्या हो बहुत ज़्यादा हो। तो अपन क्या कोशिश करते हैं कि पर यूनिट जो अपन आउटपुट लगाते हैं, मतलब एक रुपया अपन खर्च किया है तो उससे अपन कोशिश करेंगे कि एक रुपये से अपन क्या ले मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ क्या है नेट इनकम, ठीक है ना। एक तो होती है ग्रोस इनकम, एक होती है नेट इनकम। ग्रोस इनकम क्या होती है, जो मान लीजिए ग्रोस एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अपने पास क्या है 2 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है ना। तो उसमें अपना टोटल प्रोडक्शन होगा है 1,00,000 रुपये का, ठीक है ना। ये तो हो गई ग्रोस इनकम, ठीक है ना। अब इसमें अपने को पता नहीं है कितना खर्चा आया है कितना, ठीक है ना। लेकिन जब इस 1,00,000 रुपये में से उस 2 हेक्टेयर में 30,000 रुपये अपने क्या किए थे, खर्च किए थे प्रोडक्शन करने के लिए, इनपुट यूज़ किए थे 30,000 रुपये के, तो अब कितना हो गया अपनी इनकम कितनी है 70,000। मतलब जो 70,000 है वो क्या है अपनी फार्मर की नेट इनकम है। तो अपने मैक्स अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि मैक्सिमम नेट इनकम अपन क्या करें फार्म से प्राप्त करें, ठीक है। फार्म मैनेजमेंट इज इन शॉर्ट कैन कॉल्ड इट एज ए साइंस ऑफ चॉइस और डिसीजन मेकिंग साइंस। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, क्यों कहते हैं उनको साइंस ऑफ चॉइस, क्योंकि जो अपने क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, अपने 4 प्रकार के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट वाला क्या होता है मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनके द्वारा इनका यूज करके अपन क्या करते हैं अपना फार्म से आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो अब लैंड क्या होती है आपको पता है, इसकी क्या होती है क्वांटिटी फिक्स होती है, लैंड क्या होती है फिक्स, लेबर, अब इनके क्या होते हैं रिवार्ड्स, ठीक है ना। अब लैंड का रिवार्ड्स क्या होता है, लैंड के क्या देते हैं अपने रेंट, ठीक है। लेबर का क्या होता है, लेबर को क्या देते हैं अपने रिवार्ड वेजेज। कैपिटल का क्या देते हैं, अगर किसी से उधार लेते हैं तो इंटरेस्ट। और लास्ट में अपना मेन उद्देश्य क्या रहता है मैनेजमेंट का कि मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इनके क्या होते हैं रिवार्ड्स होते हैं। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, तो इनको अपन क्या है फील्ड में किस तरीके से यूज करें, ठीक है ना। जो भूमि है उसका मैनेजमेंट का मतलब कि फार्मर्स को पूर्वानुमान हो गया कि इस बार अच्छी बारिश होने वाली है तो उस पर वो क्या ग्रो करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, वो क्या ग्रो करे क्या प्रोड्यूस करे ताकि उसको क्या मिले मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले, ठीक है ना। दूसरा लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर है उसको अगर वो किस तरह से मैनेज करे ताकि उसको जो स्पेसिफाइड लेबर है, जैसे कोई एक फार्मर है ये अपने फील्ड पे 3-4 प्रकार की फार्मिंग कर रहा है, ठीक है ना, वेजिटेबल वगैरह भी कर रहा है, क्रॉप भी कर रहा है और लाइव स्टॉक भी कर रहा है, तो वो उसको जो लेबर उसके पास जो 5-7 जितनी भी लेबर है उनको किस तरीके से मैनेज करे ताकि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले। तो इस तरह से मैनेज करेगा कि उसका स्पेशलाइजेशन देखेगा कि वेजिटेबल जो माली वगैरह है उनको क्या करेगा वेजिटेबल जो फार्म है उसमें काम देगा, जो क्रॉप के बारे में सही से नॉलेज रखता है उसको क्या करेगा जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसमें, जो एनिमलों के बारे में जो अच्छे से नॉलेज रखता है उसको क्या कर देगा जो एनिमल प्रोडक्शन कर रहा है उस फार्म में उसको क्या कर देगा
जॉब देगा। तो अब अगर ऐसा कर देता वो कि जो वेजिटेबल वाला माली है उसको क्या कर देता वो इधर लाइफ स्टॉक की तरफ कर देता और लाइफ स्टॉक वाले को इधर कर देता, तो वो क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन लेता? नहीं, क्योंकि उनको पूरा ही, क्योंकि वो स्पेशल जो स्पेशलाइजेशन उसका है वो इसमें काम नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो उतना उसको प्रोडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, फिर आ गया कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कि जो वेल्थ अपन क्या करते हैं और अधिक वेल्थ प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में लेते हैं, वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। ठीक है ना, जिससे क्या करते हैं अपन और अधिक धन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैपिटल वगैरह कैसे आ गया? अपना ट्रैक्टर हो गया, जो भी मशीनरी वगैरह है ना, वो सारी किस में आती है? अपने कैपिटल में आती है। तो कैपिटल मतलब कि जहाँ जो जिसकी ज़रूरत जब है तो वहीं उसको उपयोग करें। जैसे अपने क्या एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नरमा कॉटन है, कॉटन हुई है 15-20 दिन की हुई है, उसमें अगर अपन ने सीलर लगा दिए तो ऑटोमेटिक टूट जाएगी, या वो क्या पानी की आवश्यकता उसको अधिक होगी। ठीक है ना, तो वो क्या होगा? प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो कैपिटल जो भी मशीनरी वगैरह है फार्मर्स के पास, वो वहीं उसको यूज ले जब उनकी आवश्यकता हो। तो उसमें एक इफी बहुत ही मतलब मैनेजमेंट वाला जो मैनेजर है उसको बहुत ही उस कॉमन सेंस की ज़रूरत होगी। और लास्ट टाइम मैनेजमेंट जो एंटरप्राइज है वो सबको इनको क्या करता है? मैनेज करता है। जो भी जैसे लैंड अगर अपन ने किसी लिए उसका रेंट कट गया, लेबर को उसकी वेजेज उसको अपना दे दिया, उसके बाद कैपिटल है जो अपन ली उसका इंटरेस्ट चुकता कर दिया, तो इनका अगर सब निकालने के बाद जो बचता है वो किसके पास बचता है? फार्मर्स मतलब मैनेजर के पास बचता है। तो जो मैनेजमेंट करता है उसको लास्ट में क्या मिलता है? प्रॉफिट, इसका रिवार्ड। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि फार्म मैनेजमेंट डील विथ डिसीजन दैट इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस की नेट इनकम को क्या करता है? फार्म मैनेजमेंट प्रभावित करता है, क्योंकि अगर अपना मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। फार्म मैनेजमेंट सीक्स टू द हेल्प द फार्मर इन डिसीजन, किसके लिए? द प्रॉब्लम्स लाइक, अब फार्म मैनेजमेंट क्या करता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, बाई और सेलिंग, वेयर बाई और सेलिंग, हाउ टू प्रोड्यूस बाई और सेलिंग एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है ना, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ फार्मिंग विच हैव बट ब्रिंग ऑन द इकोनॉमिक इफिशियंसी ऑफ फार्म। इकोनॉमिक इफिशियंसी क्या होती है कि अपन क्या पर यूनिट जो इनपुट यूज कर रहे हैं उससे क्या लें अपन? मैक्सिमम प्रोडक्शन लें। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? अपना इकोनॉमिक इफिशियंसी। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी है तो वो अपन क्या करेंगे इसमें आज क्लियर करेंगे, ताकि आगे अपने जब भी आगे चैप्टर स्टार्ट करें उसमें वो टर्मिनोलॉजी बार बार, बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी वो बार बार आएगी, तो उससे पहले क्या कर लेते हैं अपन उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहली चीज अपन बार बार पढ़ेंगे वो क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरी चीज प्रोडक्शन। ये चीजें आपने पढ़ी होगी, बार बार पढ़ी होगी अगर एग्रीकल्चर में जिस दिन पहली क्लास में आए होंगे तो ये चीज़ बार बार पड़ेगी, लेकिन आज आपको पूछ लिया जाए तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मेरे को पूरी उम्मीद है। तो ये देखो पहले इतने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? सब जानते हैं कि गेहूं क्या एक प्रोडक्ट है, ठीक है, बार्ले क्या एक प्रोडक्ट है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, उसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, ओनली फॉर क्या होता है? ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है ना, इनपुट क्या होता है? इनपुट सारे जो भी सीड, फर्टिलाइजर, इरीगेशन, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है ना, जो भी अपने खेत में इनपुट यूज करते हैं उनका ट्रांसफॉर्म है। जैसे अपने क्या किया, सीड स्टार्टिंग में क्या हुआ? भूमि में बोया, ठीक है ना, सीड बोया, उससे क्या हुआ? प्लांट ग्रो हुआ,
उसमें क्या फर्टिलाइजर वगैरह दी, इरिगेशन दी, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह किया, लास्ट में हार्वेस्टिंग करके उससे अपने को क्या मिल गए, बहुत सारे। तो एक सीड था उससे कितने मिल गए, बहुत सारे, क्या मिल गए, बहुत सारे ग्रेन मिल गए। तो मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट दिए थे अपन ने, क्या इरिगेशन वगैरह, सीड तो एक ही था अपने बोया था, तो वो क्या था, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, वो सारे दिए थे अपने जो यूज़ किए थे, उसका ट्रांसफॉर्म होके अपनों क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है ना। और प्रोडक्शन क्या होता है, जो ये पूरी प्रोसेस है प्रोडक्शन की, कहाँ से, सोविंग से लेके, सोविंग तो क्या अपने निराई गुड़ाई से लेके लास्ट तक हार्वेस्टिंग करने तक जो भी प्रोसेस है, किसकी, ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट की, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्शन बोलते हैं, या एक चीज तरीके से अपन कह सकते हैं क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को क्रिएट कैसे किया, कि अपने पास सीड था उसकी क्या यूटिलिटी थी, लेकिन जो भी एक किलो अपन ने सीड बोया, आज उसके क्या हो गई, एक ट्रॉली कॉटन हो गई, तो उसकी एक सीड की यूटिलिटी क्या बढ़ी या घटी, ठीक है ना, तो उसकी क्या अपने यूटिलिटी बढ़ा दी। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब प्रोडक्शन। और कॉस्ट क्या होता है, जो भी अपन इनपुट यूज करते हैं उनको अपन क्या है, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करें, या उनकी क्या पैसों में अगर उसको क्या है मेजर करें, तो वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट, ठीक है ना। तो कॉस्ट के भी बहुत सारे प्रकार, आपके टॉपिक भी है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो कॉस्ट के भी कितने प्रकार की है, कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जो अपने फार्म मैनेजमेंट में काम आने वाले हैं, एवरेज, फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। एक आती है मार्जिनल कॉस्ट, ये जो सात प्रकार की कॉस्ट है ये अपने बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। तो अब स्टार्टिंग करते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो क्या होती है प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती। मतलब क्या हुआ कि जो एक बार अपन ने यूज कर लिया उसको बार बार यूज नहीं करते, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट आ गई उसके मतलब ये नहीं है कि अपना प्रोडक्शन हो या न हो, लेकिन वो कॉस्ट क्या होगी, लगी स्टार्ट मानते कि एक एग्जांपल देते हैं कि अपन एक बार क्या हो गया, ट्रैक्टर ले आए, ठीक है, अपन को क्या है, अपना उद्देश्य है कि अपना भूमि जो इस बार फार्मिंग करेंगे तो ट्रैक्टर ले आए। तब ट्रैक्टर ले आए, सोविंग कर दी, लेकिन अपना क्या उत्पादन जीरो हुआ, ठीक है ना, कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं, लेकिन ट्रैक्टर की तो कॉस्ट लगेगी ना जितनी आई है, उसमें चेंज थोड़ी आएगा। कोई मशीनरी ले आए अपन, खेत में बिल्डिंग बना ली, उसको ये मतलब नहीं है कि अपना प्रोडक्शन 10 कुंटल हो, 100 कुंटल हो या 5 कुंटल हो, ठीक है ना, उसको ये है कि वो कॉस्ट लग गई तो लग गई, वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगी, ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगी तो वो क्या होगी, फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो उसको एक तो ये क्या होगी, पूरी पूरी फिक्स रहेगी, अगर आउटपुट अपना इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उसको कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, इतनी अगर अपने 5,000 रुपये स्टार्टिंग में कॉस्ट आ गई तो ये 5,000 रुपये ही रहेगी, ठीक है ना, चाहे अपना प्रोडक्शन जीरो हो चाहे अपना प्रोडक्शन है। तो इसका फिक्स कॉस्ट का करो कैसा होता है, ओरिजेंटल, ठीक है ना। अब आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है, होती क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अपने प्रोडक्शन के साथ साथ वो क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे अपने सीड सोइंग की, ठीक है, उसके बाद क्या किया अपने, फर्टिलाइजर यूज़ किया, इरिगेशन यूज़ की, पेस्टिसाइड यूज़ की, अगर और भी ऐसी कॉस्ट है जो यूज़ की, तो वो सारी क्या होती है, प्रोडक्शन के साथ वेरी होती रहती है, ठीक है ना, प्रोडक्शन के साथ वेरी होती रहती है। तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है ना, आउटपुट ये प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होती रहती है, बढ़ती ठीक है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि बढ़ती रहती है,
एक टाइम ऐसा आएगा, अब तो आउटपुट के साथ साथ ये क्या हो रही है, जितना यहाँ आउटपुट था तो ये इतनी कॉस्ट आ रही थी, यहाँ आउटपुट था तो इतनी कॉस्ट आ रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा अगर यहाँ आउटपुट है अपना तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, एकदम वर्टिकल हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन अपन कॉस्ट कितनी भी कॉस्ट दे दें तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन तो यहाँ सीमित रहेगा, लेकिन ये कॉस्ट क्या होगी, बहुत सीधी सीधी स्ट्रेट वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट कौन सी होती है, जो अपने फील्ड पर अपने टोटल प्रोडक्शन करने के लिए अपने फील्ड पर जितनी कॉस्ट यूज करते हैं वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो वो क्या यूज़ की, पहले तो फिक्स कॉस्ट अपन ने क्या की, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जितनी आई, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का जोड़ होगा वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अपने फील्ड पर अपन को क्या करना है, कोई फार्मिंग करनी है, ठीक है, अपने स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट आई है 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद अपन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, अपन क्या इनपुट यूज़ करते गए, तो उसमें अपने वेरिएबल कॉस्ट आ गई लास्ट तक देखा तो 45,000। ठीक है ना, तो ये तो अपन फिक्स कॉस्ट आ गई, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, अब दोनों को ऐड करेंगे अपन कितने हो गए, 60,000। तो ये क्या आ गई अपनी फील्ड पर टोटल कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आती है बात एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट पर। ठीक है ना, तब एवरेज का मतलब क्या होता है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि धोनी के अगर 300 मैच खेलने के बाद 10,000 रन थे, उसकी एवरेज क्या थी, मान लीजिए उसकी एवरेज 50 थी, मतलब क्या हुआ कि उसने क्या पर मैच ऑन एन एवरेज कितने रन बनाए, 50 रन बनाए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उसने एक में 150 भी बनाए होंगे, एक में 30 भी बनाए होंगे, एक में 0 भी बनाए होंगे, तो उसका मतलब क्या होता है एवरेज, मतलब अपन एक क्विंटल अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए कितनी फिक्स कॉस्ट आ रही है, अगर अपन एक क्विंटल अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उसके लिए कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, और एक यूनिट अगर अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके कितनी एवरेज टोटल कॉस्ट अपन आ रही है, तो क्या होगा एवरेज। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपन ने क्या किया था कि 60,000 रुपये की आई थी टोटल कॉस्ट आई थी, तो इसमें अपन ने क्या 10 क्विंटल कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की थी, उसके ऊपर कितना आया था 60,000 रुपये टोटल कॉस्ट आई थी, उसमें कितनी थी फिक्स कॉस्ट, कितनी थी 15,000 रुपये। ठीक है ना, तो अब एक क्विंटल वो प्रोड्यूस किया तो उस पर कितनी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आई है, तो वो क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट बटा क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब आउटपुट, तो क्या हो जाएगा 15,000 बटे 10, तो कितनी आ गई 1,500 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन एक क्विंटल कोई भी वस्तु या कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो उसके ऊपर कितना है 1,500 रुपये खर्चा है, या 1,500 रुपये अपनी कॉस्ट आई है। वैसे भी अगर अपन देखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कोई भी आउटपुट पर, कि मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी अपनी 45,000 थी, तो अपने कितना प्रोड्यूस किया था 10 क्विंटल, तो वही क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट बट्टे क्वांटिटी बराबर क्या हो जाएगा 45/10, तो क्या हो गया 4,500 रुपये। तो एक क्विंटल कोई भी प्रोड्यूस किया है अपन ने प्रोडक्ट, तो उस पर कितनी आई है कॉस्ट 4,500 रुपये। तो ये देखो फिक्स कॉस्ट कितनी आई है एक पर यूनिट पर 1,500 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4,500 रुपये, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी होगी 1,500 और 4,500 दोनों का ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। तो ये क्या हो गई एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब एक यूनिट अपन ने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस किया है तो उस पर कितना खर्चा आया वो क्या होगी एवरेज
अब आ गई कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट की बात, ये क्या चीज़ होती है। मार्जिनल जहाँ भी शब्द आए इसका मतलब अपना होगा एडिशनल या अतिरिक्त, ठीक है। जहाँ भी मार्जिनल का नाम आए उसका मतलब आ गया अतिरिक्त। क्या हुआ कि अपन क्या कर रहे थे, 60,000 रुपये में कितने क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 क्विंटल, ठीक है ना। अब अपन चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्शन को अपन क्या करें, बढ़ा के 11 क्विंटल करें, ठीक है ना। तो अब 11 क्विंटल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट तो अपन को क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, या कुछ इनपुट एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, या पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जो भी है वो एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, या इरीगेशन एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो उस पर क्या आएगा, खर्चा तो आएगा। मान लीजिए अगर 11 क्विंटल उसने प्रोड्यूस किया तो उसको 60,000 की जगह क्या है, 65,000 क्या है खर्चा है या कॉस्ट आई है। तो इस एडिशनल आउटपुट, एक यूनिट आउटपुट के लिए कितना एडिशनल कॉस्ट लगी है, 60,000 से 65,000 मतलब 5,000 रुपये, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब क्या हुआ कि एडिशनल यूनिट कोई भी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करने के लिए जो अतिरिक्त या एडिशनल जो कॉस्ट आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, मार्जिनल कॉस्ट। तो उसका मोटा मोटी बात है, ग्राफ से समझा देता हूँ आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पूरा। आउटपुट इधर आ गई कॉस्ट, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जीरो। तो स्टार्टिंग में अपने बात की थी फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, वो जो फिक्स है उतनी रहेगी, ठीक है। ये होगी फिक्स कॉस्ट। तो इसका कर्व कैसा होता है, ओरिजेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके न्यू टाइप में आता है। क्या है इसका, ओरिजेंटल, ठीक है, क्योंकि यहाँ जाकर ये प्रोडक्शन की यूनिट है, 1, 2, 3 ठीक है, ये अपन क्वांटिटी है प्रोडक्शन की। तो यहाँ से अगर एक यूनिट प्रोड्यूस की तो भी ये कितनी आई थी, 15,000 रुपये, क्योंकि ये स्टार्टिंग में लग चुकी है। उसके बाद 2, 3, 4 जितने 7 अगर क्विंटल अपन ने प्रोड्यूस किया है तो भी ये कितनी लगी है, 15,000 रुपये, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये क्या होती रहती है, प्रोडक्शन के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये क्या हो गया, उल्टा सेव करो, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट। तो ये जो कर्व बनेगा ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट का, ठीक है। अब देखो एडिशनल कॉस्ट कितनी है, ये यहाँ मार्जिनल कॉस्ट में 5,000 रुपये आई है, एक बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ। तो इसमें क्या था कि 60,000 रुपये, 15,000 रुपये जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो चेंज नहीं होगी अपनी, अगर एक एडिशनल अपन यूनिट और बढ़ाना चाहें आउटपुट की तो वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन चेंज कहाँ आएगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसका पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके न्यू टाइप में, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट किसका पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद अब देखो फार्म मैनेजमेंट में 3-4 डिसीजन होते हैं जो अपन को मैनेज करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है, और तीसरा जो हाउ मच प्रोड्यूस, ठीक है ना, क्या आप उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें। अब देखो क्या उत्पादन करें, अपने पास बहुत सारे अल्टरनेटिव रहते हैं कि जैसे रवि का सीज़न आ गया तो रवि के सीज़न में अपन क्या करते हैं कि वीट प्रोडक्शन करें, ग्राम प्रोडक्शन करें, बार्ले प्रोडक्शन करें, जो भी है मस्टर्ड प्रोडक्शन करें। तो अपने पास क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव अपने पास क्या है, उपस्थित है। तो अपन को क्या करना है, डिसीजन लेना है, अब क्या मैनेज करना है कि कौन सा उत्पादन, कौन सी क्रॉप उत्पादन ले। अब उसके लिए अपने को बहुत सारे
डायमेंशन देखने पड़ेंगे, बहुत सारे व्यू देखने पड़ेंगे। एक तो उसके प्राइस क्या है, ठीक है, अगर कोई क्रॉप अपने ग्रो कर लें उसका मार्केटिंग है, मार्केट है कि नहीं है, ठीक है, आगे भविष्य में क्या डिमांड है, पीछे क्या उसके रेट रहे हैं या प्राइस रही है, बहुत सारे ऐसे चीज, अपने जो सॉइल है वो उस क्रॉप के लिए सूटेबल है या नहीं है, आगे आने वाला अगर फोरकास्टिंग जो मौसम विभाग ने की है वो अपने क्रॉप के लिए यूजफुल है या नहीं है, वो सारी चीज़ देख के किसान को एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन वो क्या करेगा, तो इसके लिए अपने एक जो प्रिंसिपल जो इसमें अपने फार्म मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं वो इस इन तीनों पर डिपेंड है। तो उसमें अपन क्या जो प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं वो क्या, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप के दो तीन जितने भी अपने पास प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट उसमें कौन से अपना प्रोडक्ट लें ताकि अपनों को क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है ना, या मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो जो व्हाट टू प्रोड्यूस क्यों करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब यहाँ बात किसके आ गई, टेक्नोलॉजी की, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके अपन क्या करें, कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी टेक्निक अपन यूज करें ताकि क्या हो, कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए, ठीक है ना। अपने पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहते हैं, अल्टरनेट रहते हैं, सब्स्टिट्यूट रहते हैं कि उनको एक के स्थान पर, जैसे नाइट्रोजन की सप्लाई देनी है, क्रॉप में नाइट्रोजन देनी है, और डीएपी यूरिया दोनों नाइट्रोजन है, एक में कम है एक में ज़्यादा, अब अपन को उन दोनों में देखना है कौन सी सस्ती है और कौन सी महंगी है, तो सस्ती होगी वो क्या करेंगे अपन यूज करेंगे कि अपने कॉस्ट मिनिमम आए और सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन रहें। दूसरी चीज़ अपने लेबर है, एक तो फैमिली लेबर एक कैजुअल लेबर जो अपन हायर करते हैं, उनमें दोनों में कौन सी यूजफुल है, या जैसे देख लैते हैं, एक तो अपन पहले क्या करते, बैलगाड़ी से वो बैलों से सोविंग करते थे, दूसरा ट्रैक्टर से, अब दोनों में कौन से में कॉस्ट कम आती है, तो वो उस आधार पर अपन क्या करते हैं, दो जो हाउ टू प्रोड्यूस जो टेक्निक है अपन को कौन सी यूज करनी है, वो डिसीजन किसको लेना पड़ेगा, फार्मर्स को लेना पड़ेगा, ताकि उसकी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो और प्रॉफिट उसका, फिर कॉस्ट मिनिमम हुई तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। अब तीसरी चीज़ आती है, हाउ मच प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है ना, ये भी इस पर हाउ मच प्रोड्यूस पे तीन प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है ना, जो पढ़ेंगे क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ होती है कि कहाँ तक अपन को उत्पादन करना चाहिए, उसमें तीन जोन होंगे, कौन से जोन में अपन को, कौन से जोन तक अपने को प्रोडक्शन करना चाहिए। अब क्लासिकल प्रोडक्शन क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट की फिजिकल यूनिट, या फिजिकल इनपुट या फिजिकल आउटपुट बोल सकते हैं। फिजिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको जो अपन लेंगे, जिस यूनिट में लेंगे वो वेट में लेंगे, ठीक है ना, पर यूनिट कितना केजी, ठीक है ना, इसको भी केजी मिलेंगे, इसको केजी मिलेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ और आती है प्राइस, आप डेली इसका कम से कम कितनी बार पता नहीं रिपीटेशन करते हैं, प्राइस क्या होती है, ठीक है ना, प्राइस होती है कोई भी चीज़ की अपन क्या है, वैल्यू को, ठीक है ना, वैल्यू को क्या करते हैं अपन, मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, मॉनेटरी टर्म मतलब पैसा वगैरह में, तो वो क्या हो जाती है, प्राइस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आज के टर्मिनोलॉजी वगैरह सब है जो बार बार अपन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे फार्म मैनेजमेंट में, तो उनको अच्छे तरीके से देख लेना, तो अपन क्या आगे इजी वे में समझ सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर में अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।